वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब उर्फ प्रकाश आम्बेडकर के नेतृत्व में डफले बजाओ आंदोलन बुधवार को हिंदी मोरभवन बस स्टॉप झांसीरानी चौक नागपुर में आयोजित किया गया था। आज का आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में जिला और तहसील स्तर पर किया गया, जिसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं सहज थी। बाला साहब आम्बेडकर ने खुद नागपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बाला साहब ने राज्य सरकार के हाईलाइट पर रखा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो दूसरों को निर्देश देता था, लेकिन अब ये एक ऐसा राज्य बन गया जो दूसरों के आदेशों का पालन करता है। सरकार निजी परिवहन की अनुमति देती है, अगर निजी परिवहन में लोगों को कोरोना नहीं मिलता है तो सरकार को सरकारी परिवहन में लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना कैसे हो। साथ ही बाला साहब ने एक चेतावनी भी दी है कि आज का आंदोलन केवल चेतावनी देना था, अगर लोगों के जीवन को सरल नहीं बनाना है तो हम 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। इस अवसर पर नागपुर शहर के वंचित बहुजन आघाड़ी ग्रामीण कार्यकारिणी युवक आघाड़ी के पदाधिकारी, महिला आघाड़ी और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, सभी पार्टी कार्यकर्ता और हजारों नागरिक उपस्थित थे। 600-700 रुपयाचं भाडा असलं पाहिजे, प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट त्या ठिकाणी 4-4, 5-5 हजार रुपये त्या ठिकाणी घेत आहे। ही लूट एका प्रकारचे सरकारच करते असा माझा आरोप आहे। एसटी महामंडळ चालू असलं तर एवढ्या लूट झाली नसती आणि लोकांना सोयी झाल्या असत्या। शासनाला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम करत असताना जो काही एसओपी तयार करायचा असेल तो एसओपी तयार करा, पब्लिक ते मानायला तयार आहे। शासन 15 ऑगस्टपर्यंत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट हे जर सुरुवात करत नसेल तर 15 तारखेला हे बंधनं मोडण्याचे आंदोलन हे आम्ही सुरुवात करू, एवढा इशारा आम्ही आज सरकारला देतो।